For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. My name is Balina Han. I am a clinical dietitian. आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट्स रमजान एंड ओवर ईटिंग. रमजान में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ओवर ईटिंग की. सोचा जाता है पूरा दिन रोजा रखना है तो अच्छी हैवी सहरी करनी चाहिए, जिसमें 2-3 पराठे आ जाते हैं, मीठा दही आ जाता है और इस तरह से पुरमोरगन गजाएं काफ़ी आ जाती हैं. फिर बात आती है अफ्तारी की. अफ्तारी भी जब तक फ्राइड आइटम्स ना हो तो हमारी अफ्तारी पूरी नहीं होती. उसमें पकोड़े, समोसे, मीठे ड्रिंक्स जिसमें शुगरी जितने भी ड्रिंक्स हैं हमारे, टैंग, जामेश्री, शरबत वगैरह, दूध सोडा वगैरह, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है. अब ये है कि कैसे हम एक अपनी रमज़ान को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके चलें, कैसे इसे एक हेल्दी रमज़ान बनाएं. सहरी में अगर हम लोग सिंपल दूध या दही कंज्यूम करते हैं विदाउट शुगर, दैट्स ए हेल्दी अप्रोच. उसके साथ पराठे को हम रिप्लेस कर लें अगर होल व्हीट रोटी से, तो दैट्स ए वेरी हेल्दी और नेचुरल थिंग. प्लस हम अगर कोई प्रोटीन रिच फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें चिकन, मीट या एग वगैरह आता है, तो वो देर से डाइजेस्ट होता है तो पूरा दिन आपका ज़रा एनर्जी लेवल बेहतर रहता है उससे. अफ्तारी की जब बात करें तो अफ्तारी में अगर आप एक खजूर से रोज़ा खोलते हैं तो दैट्स वेरी नाइस. सुन्नत नबवी भी है एंड इट इमिजिएटली गिव्स यू ए बूस्ट ऑफ एनर्जी. प्लस शुगरी ड्रिंक्स की फिर ज़रूरत नहीं रहती. सिंपल वाटर आप ऐड करें, दैट मेक्स इट वेरी हेल्दी. सारा दिन की डिहाइड्रेशन जो होती है आपके, वो उसे रिकवर करता है. मगर अगर आप शुगरी ड्रिंक्स ऐड करते हैं तो वो सारा आपका जो एम्प्टी स्टमक है उस पर मज़ीद लोड ऐड कर देते हैं. फ्राइड आइटम्स को रिप्लेस किया जाए अगर फ्रूट सैलड से या बीन सैलड से, जिसमें हम थोड़े से लोबिया या चना वगैरह ऐड कर लें, तो उसमें फाइबर एंड यू रिसीव योर विटामिंस, वो बहुत हेल्दी आपकी ऑप्शन आ जाती है एंड दैट्स आल्सो वेरी फुलफिलिंग. उसके बाद जब हम कुछ देर के बाद अपने डिनर की तरफ मूव करें तो डिनर में भी ए बाउल ऑफ वेजिटेबल सैलड वुड बी वेरी नाइस एंड हेल्दी. फिर साथ आप होल व्हीट चपाती कंज्यूम करें, कुछ अपना जो करी है उसमें बेशक आप वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ले लें, नहीं तो 2 किस्म की दालें मिक्स करके करते हैं, दैट मेक्स ए हेल्दी एंड कंप्लीट प्रोटीन, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास. या अगर कोई आप मीट प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, चिकन, फिश, मीट वगैरह, तो दैट मेक्स इट अ कंप्लीट हेल्दी मील. फिर हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, चूंकि अमूमन लोग सहरी तक उठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि फ़ास्ट फूड, जंक फूड की कंजम्पशन इंक्रीज हुई होती है. अगर हम उसे रिप्लेस करें हेल्दी ईटिंग के साथ तो हम अपनी स्नैकिंग को फ्रूट्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं. आपने जो पिज़्ज़ा का स्लाइस करना, वाई डोंट यू रिप्लेस इट विद एन एप्पल और एनी फ्रूट यू लाइक. उसके अलावा आप 1 कप दूध कंज्यूम कर सकते हैं, आप थोड़ा सा योगर्ट कंज्यूम कर सकते हैं, यू मे इवन हैव ए बॉइल्ड एग विच इज़ ए नाइस ऑप्शन एंड ए फुलफिलिंग ऑप्शन. तो आप एक्सेसिव वेट जो रमज़ान में पुट ऑन हो जाता है उस सारी ओवर ईटिंग की वजह से, आप उसे ओवरकम कर सकते हैं. हैव ए हेल्दी रमज़ान एंड नाइस सेफ रमज़ान. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.